ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ल्ड में हर बार या तो उसके एग्जांपल्स या तो उसके डेफिनेशन होता है कि पूछते हैं, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब होता है द सॉल्यूशन विच ओबेज द राउल्ट्स लॉ फॉर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, अगर जो हमने इसके पहले राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट पी वन प्लस पी टू, अगर वो ओबे करता तो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, यानी जब आप दोनों लिक्विड को मिक्स करते हो राइट, तो कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होती है। दूसरा, जब आप दोनों लिक्विड को मिक्स करते हो तो कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम से मेरा मतलब ये है कि मानो कि आपने लिक्विड ए है वो 10 ml लिया और लिक्विड बी वो 90 ml लिया, तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो 100 ml होना चाहिए। यहां पर डेल्टा बी अगर आप कैलकुलेट करो, V2 - V1, V2 is 100, V1 is also 100, तो जीरो आना चाहिए। अब आपको ऐसा लगेगा सर 10 + 90 तो ऑलवेज 100 होता ही है, बट ऐसा नहीं होगा। हम आगे ये नॉन आइडियल में पढ़ेंगे कि वो 10 + 90 है, वो मोर देन 100 भी हो सकता है और लेस देन 100 भी हो सकता है, ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। यहां पे एक और, अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे हम जाए तो हम एक चीज देख सकते हैं, मानो कि लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों अलग अलग है, तो जब ए लिक्विड है तो देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन ए ए मॉलिक्यूल, और बी लिक्विड है उसमें बी बी मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होगा। जब हम ए बी को मिक्स करेंगे तो देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल, तो अगर ए बी के बीच का अट्रैक्शन ए ए और बी बी के बीच का अट्रैक्शन जितना ही है राइट, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो क्या होगा? तो आपको आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि देखो यहां पर वॉल्यूम इसीलिए तो चेंज नहीं होगा, ए ए का जो अट्रैक्शन था बी बी का जो अट्रैक्शन था उतना ही अट्रैक्शन ए और बी के बीच में, इसलिए वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, ठीक है। दोनों मॉलिक्यूल उतने ही नजदीक रहेंगे जितने इंडिविजुअल ए ए और बी बी में रहते हैं। इसके एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में से देख लेना, एग्जाम्पल हर बार पूछते हैं, ठीक है। अब याद क्या था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबेज द राउल्ट्स लॉ, वो दो टाइप के होते हैं, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल विथ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज वो पॉजिटिव है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और डेल्टा बी है वो भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, शांति से समझो। देख, मानो कि दो लिक्विड अपने ए लिक्विड था तो देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन ए ए, बी लिक्विड था देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन बी बी। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो ए बी के बीच का जो अट्रैक्शन होगा इट इज लेस देन इंडिविजुअल अट्रैक्शन ऑफ ए ए और बी बी या तो दोनों की, तो उससे क्या होगा समझो कि ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन कम है तो नजदीक आने की ट्राई नहीं करेंगे, वो दूर जाने की ट्राई करेंगे, और वो दूर जाने की ट्राई करते हैं इसलिए वॉल्यूम बढ़ता है। तो जब आप 10 + 90 लेते हो इट विल बी मोर देन 100, लेकिन लिसन वन थिंग, यहां पे सिर्फ वॉल्यूम बढ़ता है, वेट नहीं बढ़ता है, वेट तो सेम ही रहेगा राइट, वेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने का रीजन क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन कम होता है, कम होता है इसीलिए वो एक दूसरे से दूर जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है। यहां पे मैंने क्लियरली लिखा है कि जब आप मिक्स करते हो तो ए बी के बीच का अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी बी, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अब चलो ये तो पता चला आपको कि डेल्टा बी पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा एच इसलिए पॉजिटिव है कि यहां पे ए और बी के बीच का अट्रैक्शन है नहीं, ठीक है, और ए और बी के बीच में अगर अट्रैक्शन नहीं है राइट, मिसकम अट्रैक्शन है, फिर भी आपको मिक्स करना है तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट्स व्हाई डेल्टा एच इज पॉजिटिव। एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास लिक्विड ए इथेनॉल है और लिक्विड बी हमारे पास एसिटोन है, CH3CO CH3 CH3CO CH3, ए ए यानी इथेनॉल इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बी बी एसिटोन एसिटोन के बीच में डाइपोल डाइपोल बॉन्ड है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कम स्ट्रॉन्ग होता है। जब ये दोनों को मिक्स करते हैं तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक पड़ जाता है, क्योंकि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बीच में कौन आ जाता है, एसिटोन मॉलिक्यूल आता है, इसीलिए जो ए बी का अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है कंपेयर टू दिस, ठीक है, तब हमें मिलता है नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन। अब एक चीज समझो, इसमें वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि भाई मॉलिक्यूल एक दूसरे से नजदीक नहीं आना चाहते, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्शन कम है तो आराम से वो वेपराइज हो जाएगा, और जितना इजीली वो वेपराइज हो गया उतना ही उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके पहले हमने जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ प्लॉट किया था राउल्ट्स लॉ का, ये वाला ग्राफ हमने इसके पहले बनाया था राउल्ट्स लॉ में, अगर आपने देखा हो तो वो ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन के लिए ऐसा मिलेगा आपको,
ग्राफ आपको याद रखना है। ऐसा इसलिए मिलता है, अभी मैंने आपको समझाया कि वेपर प्रेशर बढ़ता है। वेपर प्रेशर क्यों बढ़ता है? तो वेपर प्रेशर बढ़ने का ये रीजन है कि एबी मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन कम होता है, वो आराम से वेपराइज हो जाता है और वो वेपर प्रेशर बढ़ाता है। तो अब नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन, तो यहां पे क्या होता है? तो यहां पे डेल्टा एच नेगेटिव है रिएक्शन एक्सोथर्मी में, डेल्टा बी भी नेगेटिव है। डेल्टा बी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? जब आप 10 ml ए 90 ml बी लेते हो तो जब मिक्स करते हो इट विल बी लेस देन 100। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि मानो कि आपके पास प्योर एसीटोन है, तो एसीटोन के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। आपके पास प्योर क्लोरोफॉर्म है तो वो तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, वहां पे डिस्पर्शन फोर्स या तो लंडन फोर्स होता है, बहुत कम है। बट जैसे आप दोनों को मिक्स करते हो तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, विच इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर देन इनफैक्ट इसमें जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन था उससे भी स्ट्रॉन्ग है, और इसके अंदर लंडन फोर्स था इसके इससे भी स्ट्रॉन्ग है। यानी एबी के बीच का जो अट्रैक्शन है वो इंडिविजुअल ए और बी बी के बीच के अट्रैक्शन से ज्यादा हो रहा है। मॉलिक्यूल एक दूसरे से नजदीक आ रहा है। अभी भी बोल रहा हूं वेट कम नहीं होगा, सिर्फ वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल नजदीक आ रहा है इसलिए, और इसलिए इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होगा क्योंकि अट्रैक्शन उसमें ज्यादा है। दोनों की जो एग्जाम्पल है वो आप टेक्स्ट बुक में से प्रॉपरली कर लेना। अभी मैंने एजियोट्रॉप्स करके जो टॉपिक इसके कंटिन्यू में वो बाकी रखा, तो वो भी मत करना, वो पढ़ना भी मत अभी, ठीक है। और नॉन आइडियल विद नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो हमें ये वाला ग्राफ है, जो आइडियल के लिए ऐसा मिल रहा था वो नेगेटिव डेविएशन में ऐसा मिलेगा। द रीजन इज क्योंकि यहां पे वेपर प्रेशर जो वो कम हो रहा है। इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।